हाय गाइज, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से व्हाट्सअप वेब की मदद से वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मोबाइल की स्क्रीन है और नीचे आप देख रहे हैं ये लैपटॉप की स्क्रीन चल रही है और मैंने यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप वेब को ओपन किया हुआ है, जो लिंक है जिसका web.whatsapp.com। अभी देखिए व्हाट्सअप वेब को एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करना होगा। जिस भी व्हाट्सअप को आप यहाँ पे स्कैन कर लेंगे वही यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी देखिए मैं यहाँ पे व्हाट्सअप को स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं व्हाट्सअप में और व्हाट्सअप वेब को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और तीन डॉट्स पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करने के बाद लिंक डिवाइस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद लिंक या डिवाइस और यूज़ मोबाइल डाटा। इसके बाद आपको यहाँ इस QR कोड को स्कैन करना होता है। जैसे मैं QR कोड को स्कैन करूँगा तो हमारा जो व्हाट्सअप है वो हमारे लैपटॉप पर, मेरे PC पर, या आप व्हाट्सअप वेब कह सकते हैं, इस पर एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि जहाँ पर हमारा जो व्हाट्सअप है वो एक्टिव कहाँ पर है, गूगल क्रोम में ये एक्टिव है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे PC पर ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे किसी पर भी कोई भी कॉन्टैक्ट आप चूज़ करिए। मान लीजिए मैं सबसे ऊपर का जो कॉन्टैक्ट है वो चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे एक कॉल करनी है, व्हाट्सअप कॉल, वीडियो कॉल वो भी। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी फीचर हमें नहीं मिलता है वीडियो कॉल का, तो हम यहाँ व्हाट्सअप वेब की मदद से हम कॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी फीचर कॉन्टैक्ट का कॉल का नहीं मिलता है। वीडियो कॉल आप नहीं कर सकते, ना ही वॉइस कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे तीन डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कोई फीचर ऐसा नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे वो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर whatsapp.com ओपन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, whatsapp.com ओपन हो चुका है और हम नीचे की तरफ आएंगे। देखिए हमें एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, मैस और विंडोज़ PC, ये एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सअप का, आपको इसको डाउनलोड करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अभी देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, थोड़ा हमें वेट करना होगा। वेट करने के बाद जैसे ही डाउनलोड होता है हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ये जब ओपन होगा सेम इसी तरह ओपन होगा जिस तरह से व्हाट्सअप वेब देखिए इस तरह से यहाँ पर ओपन है। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही व्हाट्सअप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर व्हाट्सअप का आइकन कुछ इस तरह का आएगा। आप इसको डबल क्लिक करें, कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये भी एक व्हाट्सअप वेब की तरह ही है, जबकि व्हाट्सअप वेब को हम किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं, यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर अलग से है, ब्राउज़र को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से स्कैन करेंगे और यहाँ पर भी अपने व्हाट्सअप को एक्टिव करेंगे। यहाँ पे देखिए मोबाइल में मैं लिंक डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा, यूज़ मोबाइल डाटा, और उसके बाद मैं इस QR कोड को स्कैन करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आप मोबाइल में देखिए यहाँ पे एक तो दिखा रहा है गूगल क्रोम और दूसरा दिखा रहा है विंडोज़। तो देखिए गूगल क्रोम अगर हम ओपन करें तो देखिए हमारा जो व्हाट्सअप यहाँ पर भी एक्टिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्टिव है, और जो हमने सॉफ्टवेयर अभी व्हाट्सअप पर इंस्टॉल किया है यहाँ पर भी ये एक्टिव हो चुका है और दोनों के दोनों यहाँ हमें मोबाइल में दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर हमारा व्हाट्सअप एक्टिव है। इसके बाद हम फिर से ऊपर वाला कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करते हैं और अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो फीचर मिलते हैं, एक वीडियो कॉल का और दूसरा ऑडियो कॉल का, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पे ब्राउज़र में बात करें तो ब्राउज़र में मैंने यही कॉन्टैक्ट ओपन किया हुआ है, सेम कॉन्टैक्ट, आप नाम देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही वीडियो कॉल का और ना ही सिंपल ऑडियो कॉल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें अगर व्हाट्सअप वेब से कोई कॉल करनी है, लैपटॉप के द्वारा कोई कॉल करनी है, तो आपको ये व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। और अगर आपको किसी भी कॉन्टैक्ट पर वीडियो कॉल करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे और वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।